डगर से नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हुआ क्या, नकारनामा भी उनके पास पहुंच गया, उसके बावजूद एबडक्शन की FIR, एबडक्शन के अंदर अबू को भी डाल दिया, भाइयों को भी डाल दिया, थाने के अंदर पैसों का लेन देन करके 3 दिन इलीगल कस्टडी में भी रखा। उसके लिए हमने बेलक अपॉइंट करवाया, वो इलीगल कस्टडी भी साबित हो गई। यानी इस तरह के मामला जब होंगे, जी इस तरह के मामला सर होंगे जब, तो तब प्यार वाली बातें नहीं हो सकती। उनको चाहिए, वो जो अशोक मसीह साहब है, अगर वो वापिस सुलह करना चाहते हैं तो ये फिर पर्चों के पीछे और फिर हेबियस कॉर्पस फाइल करना, सुलह करने ही आप कॉल करें कि यार चले ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब आप आपस में हम मिल बैठ के बात करते हैं। यू कोर्ट में हेबियस फाइल करना, नोटिस भेजना, पर्चे कटवाना और फिर इलीगल डिटेंशन में रखना, ये तंग करना, ये चीज़ें नजर नहीं आती कि सुलह इन्होंने कर दी। हाँ, अगर इन सारी चीज़ों से ये निकल कर बाहर आते हैं, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, उनकी बेटी है और जिसके साथ वो रह रही है वो उसका खावंद है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो खावंद का जो इख्तियार होता है वो सबसे बढ़कर होता है, राइट? लेकिन उसके माँ बाप का तल्लुक तोड़ा नहीं जा सकता। लड़की मिलना चाहती है, वो मिलना चाहते हैं, मिले, लेकिन ये जो गुंडे बहाने हैं, 491 फाइल कर देना, पर्चे कटवाना, इलीगल डिटेंशन में रखना, इन चीज़ों से ये भी बाज है, क्योंकि वो होना नहीं है। हर बंदे को फ्रीडम का